मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार के लिए गोरखपुर पहुंचे दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने असुरन चौक से जनसंपर्क करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वोट मांगा, जिसके संबंध में दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि भाजपा सरकार ने सभी लोगों को सुख सुकून दिया है, चाहे वह गरीबों को घरों में साधन पहुँचाने की हो या गुंडे माफियाओं से मुक्ति की हो, तथा सही मायने में सभी लोगों को पता चला है कि शासन की योजनाएं बिना किसी को कमीशन दिए घर घर तक सुविधा पहुंच सकता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिकॉर्ड मतों से जिताकर विधानसभा में भेजें, जिससे कि गोरखपुर ही नहीं पूरे देश में सदर विधानसभा की चर्चा हो। वहीं सांसद रवि किशन के द्वारा यूपी में काबा गाने के तीसरे पार्ट के लॉन्चिंग पर कहा कि अगर कोई कहता है कि यूपी में काबा, तो वह उत्तर प्रदेश को अपमानित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि यूपी में काबा, वह लोग चार बार सत्ता में रहकर पूछ रहे हैं कि यूपी में काबा, तब उनको जनता बताइए यूपी में बाबा बा और मोदी बा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, सुख दिया है और जो सुकून दिया है, चाहे वो गरीबों के घरों में साधन पहुंचाने की हो, गुंडे माफियाओं से मुक्ति की हो, बेटियों की मुस्कान की हो, और सही मायने में पहली बार पता चला है लोगों को कि शासन कैसे हमारे घर तक बिना किसी को कमीशन दिए सुविधा पहुंचा सकता है, तो वो इतना भइला के बाद अब तो एक ही चीज बाकी है कि योगी आदित्यनाथ जी को हम गोरखपुर शहर से इतने अंतर से जिताएं जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का रिकॉर्ड बनेगा। परसों दिन आप लोगों के सामने होगा, लेकिन हम आप अभी से बता दें कि
अगर कोई कहता है उत्तर प्रदेश में काबा, तो वो उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम कर रहा है। और जो पार्टियां ऐसे, भाई गायक का क्या है, वो तो कोई पॉलिटिकल पर्सन तो है नहीं, अब जो भी कोई आता है उसके अनुसार वो गा देती है। लेकिन जो गवा रहा है वो उत्तर प्रदेश को चार बार चला चुका है, और चार बार शासन करने के बाद भी उसके जेहन में है यूपी में काबा, तब लोग बताई कि यूपी में बाबा बा, यूपी में मोदी जोगी के शासन वातावरण। योगी जी जो माफिया गुंडे हैं, जो बेटियों के शत्रु हैं, जो हमारे आपके सुख सुकून के शत्रु हैं, उनकी गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। और यही तो बात है ना कि समाजवादी पार्टी गुंडों को बढ़ाना चाहती है, गुंडों की गर्मी नहीं निकालना चाहती। तो अब प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी कि गुंडों की गर्मी निकलनी चाहिए या गुंडे बाहर आराम से घूमने चाहिए।